हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज हम फिर से खेलने वाले हैं करियर मोड। एंड मैंने आप लोगों से पिछली वाली करियर मोड पे बोला था, भाई कमेंट करो मुझे ओपनिंग करना चाहिए या मिडिल ऑर्डर पे आना चाहिए या कहां पर आना चाहिए। आपने बोला था ओपनिंग करो, टॉप ऑर्डर पे आओ, रन बनाओ, 200 बनाओ। लेकिन भाई मेरा ना एक भी 100 नहीं है अभी तक, एंड मैं बनाऊंगा 200। लेकिन डरने का कोई बात नहीं है, मैं आज 200 बनाऊंगा, मतलब बनाऊंगा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। तो बना पाऊंगा या नहीं पाऊंगा तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो आज का करियर मोड चलो शुरू करते हैं। तो आज का करियर मोड यहाँ पर साउथ जोन के साथ होने वाला है, एंड मैंने टेल्स का, एंड साउथ जोन का कप्तान है संजू सैमसन। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उस टीम पे मयंक अग्रवाल भी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर साउथ जोन टॉस जीत चुका है। भाई मेरा नसीब पे टॉस है ही नहीं, एंड क्या लोगे भाई आप बताओ जल्दी जल्दी। ओके बोलिंग करने का फैसला किया, मतलब हमें बैटिंग करना होगा, बैटिंग। एंड मैं 200 बनाऊंगा, ठीक है, कोशिश करेंगे। ओके तो यहाँ पर मैं स्ट्राइक पे हूँ, एंड यहाँ पर गेंदबाजी कर रहा है नटराजन। ओके 4 रन पे ऑलरेडी एक विकेट गिर चुका है एक ओवर के बाद। एंड यहाँ पर पहली गेंद पे मैंने शॉर्ट खेल दिया, एंड यहाँ पर नहीं फील्डर तो था तो सिर्फ एक रन मिला, रिक्स नहीं लेने का। तीसरा बॉल यहाँ पर नटराजन की तरफ से, एंड शॉर्ट खेला, इस बार कनेक्ट नहीं हुआ लेकिन गैप पे चला गया, पीछे फील्डर आ रहा है, चौका मिलेगा क्या? आउटफील्ड तो बहुत तेज है। एंड यहाँ पर ये इस भाई 4 रन मिल चुका है, यहाँ पर पहला चौका इस मैच का यहाँ पर मेरे तरफ से आता हुआ। बढ़िया शॉट खेला सीधे बल्ले से मैंने। लास्ट बॉल है इस ओवर का, एंड यहाँ पर लास्ट बॉल पे मैंने स्वीप शॉट खेल दिया, एंड फील्डर तो है, उतना भी अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ जो चौका मिलेगा, कोई नहीं। यहाँ पर 2 रन मिलता हुआ सिर्फ इस वाली गेंद से। तीसरा गेंद थी शोभर का, एंड यहाँ पर बढ़िया शॉट, टाइमिंग ओके आया है तो चौका मिलना चाहिए क्योंकि शॉट तो गैप पे था, लेकिन नहीं भाई फील्डर बहुत ही तेजी से भागा। एंड यहाँ पर ओके कोई नहीं अरे ठीक है ओके इतना डाल लिया भाई मैंने, आई थिंक 3 रन लिया। ओके 3 रन मिला लास्ट बॉल इस ओवर का, एंड यहाँ पर लास्ट बॉल पे मैंने स्वीप शॉट खेला, बढ़िया टाइमिंग ओके टाइमिंग, फील्डर कोई भी नहीं है तो यहाँ पर 4 रन मिलता हुआ, बढ़िया शॉट। दूसरा गेंद विजय शंकर की तरफ से शॉट खेलने वाला हूँ मैं, एंड अरे यार टाइमिंग बहुत ही आली हो गया था, लेकिन बढ़िया शॉट खेलने की कोशिश तो मैंने किया था। लास्ट गेंद वाशिंगटन सुंदर का, एंड यहाँ पर ऑलरेडी एक विकेट गिर चुका है, मतलब 2 विकेट हो गया। अभी मैंने रिवर्स स्वीप खेला बहुत ही प्यारा से, एंड तो बाउंड्री तक पहुंच ही जाएगा, तो 4 रन मिलता हुआ मुझे, बहुत ही प्यारा शॉट था। पहला गेंद यहाँ पर इस ओवर का, एंड बढ़िया शॉट खेला मैंने, गैप पे भी है, पीछे फील्डर है, 2 रन की कोशिश करने वाला हूँ। अरे यार नॉन स्ट्राइकर इतना स्लो भागता है क्या बताओ भाई, नहीं तो इजीली 3 रन मिल जाता मेरे को। दूसरा गेंद यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर की तरफ से, बढ़िया शॉट खेला, कवर ड्राइव, बहुत ही मस्त कवर ड्राइव है, लेकिन फील्डर है पीछे तो 1 ही रन मिलेगा ना। पहला गेंद यहाँ पर विजय शंकर की तरफ से, एंड शॉट खेला मैंने एक्स्ट्रा कवर से, एंड यहाँ पर 4 रन मिलेगा, बढ़िया शॉट था, एंड यहाँ पर 4 रन मिलता हुआ भाई, गैप था सही से मैंने यहाँ पर गैप ढूंढा, एंड 4 रन मुझे मिल चुका है, बढ़िया पावरफुल शॉट लगाया मैंने। तो यहाँ पर फ्री हिट वाला गेंद है, स्ट्राइक पे मैं हूँ, एंड यहाँ पर उठा के शॉट मारा, एंड यहाँ पर गैप पे है तो 4 रन मिलेगा भाई। यहाँ पर फ्री हिट का अपने फायदा उठा नहीं पाया, छक्का मारने की कोशिश किया था, फिर से नो बॉल, मतलब फिर से फ्री हिट मुझे मिलने वाला है। एंड मैं यहाँ पर 48 पे पहुंच चुका हूँ, तो फ्री हिट वाला गेंद है, मैं अगर यहाँ पर चौका लगा दूंगा ना तो मेरे हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगा। एंड उठा दिया भाई 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 कैच, आई थिंक फील्डर को बीट नहीं कर पाएगा, फील्डर कैच मिस कर दिया, मतलब यहाँ पर मेरे को 2 रन मिल चुका है। यस इसी के साथ भाई 50 रन कंप्लीट कर लिया यहाँ पर मैंने, भाई बैट उठा ओके 53 गेंद पे 50 रन, क्या बैटिंग क्या। तो अभी सेंचुरी बनाने की भी कोशिश करूंगा मैं। दूसरा गेंद यहाँ पर नट्टू के तरफ से, एंड बाउंसर था, शॉट खेला मैंने, पुल शॉट तो बढ़िया खेला, गैप पे है, यस 4 रन मिल चुका है यहाँ पर, गैप पे शॉट खेला तो इसलिए 4 रन मिलता हुआ, बढ़िया पुल शॉट खेला, बढ़िया शॉट खेल दिया यहाँ पर मैंने, एंड 4 रन मिलेगा। यस भाई लास्ट गेंद था इस ओवर का, तीसरा गेंद यहाँ पर नटराजन के तरफ से, एंड मैंने पुल शॉट लगाया लेकिन शॉट पे उतना पावर तो नहीं था, लेट टाइमिंग है, 2 रन की कोशिश, भाग भाग ओके पहुंच गया, ऐसे बोलना पड़ता है तभी ये लोग भागता है, नहीं तो नहीं भागता है। फिर से मैं पुल शॉट लगाने की कोशिश करूंगा, इस बार लगा दिया, एंड यहाँ पर कैप पे चला गया तो 4 रन यहाँ पर मिलता हुआ, थोड़ा सा शॉट पे डालोगे तो मैं ऐसे ही घुमाऊंगा, एंड यहाँ पर बोल रहा है ठीक है ना शॉट, तो
बढ़िया यहाँ पर पुल शॉट मारा मैंने। तीसरा गेंद थी शोभर का एंड यहाँ पर अच्छा से फ्लिक शॉट खेला गैप पे, लेकिन आउटफील्ड इतना भी तेज तो नहीं है। ये पहुंच जाएगा क्या भाई? पहुंचा भाई, पहुंचा 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 पहुंच गया। चार रन भाई, दो गेंद पे दो लगातार यहाँ पर नटराजन को मैंने चार मार दिया भाई, दोनों शॉट बेहतरीन था। लास्ट गेंद था शोभर का, तो लास्ट गेंद पे यहाँ पर अरे भाई एज लगा भाई, चौका चला जा चार रन चला गया भाई। मैंने सोचा नहीं था ये चौका चला जाएगा क्योंकि एज लगा था। पहला गेंद यहाँ पर सुजीत के तरफ से स्ट्राइक पे मैं हूँ एंड स्वीप शॉट खेला, एक रन दो रन दो रन भाई यहाँ पर मिस फील्ड, मतलब वो वाला फील्डर ने अरे ये भी छोड़ दिया, अरे अरे चार चला गया। ओ भाई क्या था भाई ये, इतना शॉट तो सही था लेकिन फील्डिंग इतना खराब, दो फील्डर के पास मौका था गेंद को रोकने के लिए लेकिन कोई भी नहीं रोका, बहुत बढ़िया ओपी सुंदर आया है गेंदबाजी करने के लिए। एंड मैं 99 पे बैटिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर शॉट भाई छोट भाग भाग, यस यस भाई पहला सेंचुरी, ओपी बोलते भाई साहब, 89 गेंद पे 100, एक भी छक्का नहीं मारा भाई, पहला सेंचुरी का मजा ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 8 विकेट गिर चुका है इसलिए ध्यान से बैटिंग करना होगा मेरे को, एंड यहाँ पर मैंने ध्यान से बैटिंग भी किया, बढ़िया से शॉट भी लगाया एंड चार रन भी मुझे मिला, बहुत ही बढ़िया शॉट एंड चार रन मिलता हुआ। आज तो भाई ओपी बैटिंग कर रहा हूँ। नटराजन आया है यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए, पहला गेंद नटराजन के तरफ से शॉट खेला मैंने, यहाँ पर उठा के छक्का जाएगा भाई, चला जा चला जा, अरे ये भाई 86 मीटर लंबा छक्का मार दिया, पहला छक्का इस मैच के अंदर यहाँ पर, वो भी नटराजन को, नटराजन बहुत अच्छा बॉलर है वैसे, लेकिन भाई मैं सेट हो चुका हूँ एंड बढ़िया सिक्स यहाँ पर मेरे तरफ से। तो यहाँ पर फ्री हिट वाला गेंद है तो मैं फ्री हिट पे तो उठाने वाला हूँ एंड यहाँ पर उठा दिया छक्का, बाउंड्री क्लियर करेगा, अरे यार कैच हो जा रहा है, ओके कोई नहीं दो रन मिल जाएगा, फ्री हिट का फायदा मैंने उठा नहीं पाया, बैट लाख मेरा। तो ऑलरेडी 9 विकेट गिर चुका है तो इसीलिए मैं हिटिंग करने वाला हूँ एंड यहाँ पर तीसरा गेंद था शोभर का, शॉट खेला मैंने, फील्डर को बीट तो नहीं कर पाया एंड इसी के साथ यहाँ पर ऑल आउट हो गया। एंड क्या करते भाई, 9 विकेट ऑलरेडी गिर गया, अगर मैं आउट नहीं होता वो तो आउट हो सकता है ना, तो मैंने शॉट खेलने की कोशिश किया एंड यहाँ पर आउट हो गया। तो यहाँ पर मैं गेंदबाजी करने के लिए आ चुका हूँ 33 ओवर के बाद एंड यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहा है संजू सैमसन एंड के एल राहुल एंड यहाँ पर पहला गेंद रहेगा डॉट, विकेट लेना पड़ेगा तभी हम लोग मैच जीत पाएंगे। तो दूसरा गेंद यहाँ पर एंड ओके अंदर आता हुआ गेंद था, यहाँ पर के एल राहुल ने बढ़िया शॉट खेला एक रन के लिए, तो मुझे विकेट लेना पड़ेगा नहीं तो मैच हम नहीं जीत पाएंगे। चौथी गेंद थी शोभर का एंड यहाँ पर चौथी गेंद पे उठा के शॉट मारा भाई, कोई भी फील्डर पीछे तो है नहीं क्योंकि मिड ऑफ एंड मिड ऑन दोनों ही अंदर था एंड अरे तू भाई मतलब वार्म अप कर रहे हो, चौका खाने के बाद कौन वार्म अप करता है। यहाँ पर 54 गेंद पे 29 रन चाहिए एंड के एल राहुल 84 पे बैटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर पहला गेंद मेरे तरफ से एंड ओके स्ट्रेट बैट से खेला, मेरे पास ही आया है गेंद तो डॉट रहेगा, कैच करने का मौका है, ऑप्शन है, केएल राहुल यहाँ पर आउट हो सकता है, प्लीज यार प्लीज भाई 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 भाई, ओ भाई क्या कैच लिया भाई, खड़े खड़े कैच पकड़ लिया भाई, केएल राहुल क्या गंदा शॉट खेला एंड केएल राहुल 84 पे बैटिंग कर रहा था, उसका विकेट यहाँ पर गिर चुका भाई, क्या सही गेंद था यार, देखो केएल राहुल देखो खड़े खड़े यहाँ पर आउट हो गया, पांच किया था एंड देखो मेरा बंदा ने सही भाई खड़े खड़े कैच पकड़ लिया, ओपी कैच। तो केएल राहुल यहाँ पर 84 रन बना के आउट हो चुका है। लास्ट गेंद था शोभर का, विजय शंकर स्ट्राइक पे है एंड यहाँ पर सही गेंद था यार, बहुत मस्त गेंद, 7 ओवर पे यहाँ पर 18 रन चाहिए एंड पहला गेंद शोभर का, बढ़िया कैच कैच फिर से भाई, ये भी कैच करने का मौका है, ओके ओ भाई दो बैक टू बैक विकेट, मतलब बैक टू बैक विकेट मतलब सेम विकेट लिया मैंने यहाँ पर, खड़े खड़े कैच पकड़ लिया भाई, मतलब मैं तो स्क्वायर गेंद कर रहा हूँ वो सोच रहा है बॉलर के सर के ऊपर से खेल देगा लेकिन मेरा गेंद इतना स्लो हो रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा है कैसे खेलेगा एंड यहाँ पर देखो भाई पांच करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, भाई मेरे बंदे ने इस बार भी सही कैच पकड़ लिया, दो विकेट तो ले चुका है एंड इस बार विजय शंकर आउट हुआ है यहाँ पर 16 रन बना के, मोहम्मद सिराज स्ट्राइक पे है एंड यहाँ पर दूसरा गेंद है मेरा इस ओवर का, उठा के शॉट मारा मोहम्मद सिराज, पीछे फील्डर भाई, अरे यार चार रन हो गया, यहाँ पर सिराज ने मेरे को चौका मार दिया भाई, पकड़ लेना चाहिए था यार, दो रन चाहिए 27 गेंद पे मैच जीतने के लिए एंड यहाँ पर चौथी गेंद उठा के शॉट मारा फील्डर भाई, कोई नहीं है
गैप पे यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने मेरे को 4 रन मार दिया। तो इसी के साथ यहाँ पर साउथ जोन ने इस वाले मैच को अपने नाम किया, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया साउथ जोन भाई। सिराज ने यहाँ पर बैक 2 चौका मारा मेरे को। यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच हुआ हूँ मैं भाई, हमारा टीम हार गया लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच अपुन है अपुन, क्योंकि मैंने यहाँ पर 130 रन बनाया एंड ऊपर से 2 विकेट भी लिया। इसी के चलते यहाँ पर मैं बन चुका हूँ प्लेयर ऑफ द मैच। एंड केएल राहुल ने बहुत सही बैटिंग किया, इन्होंने सभी प्लेयर ने बैटिंग किया, हमारे टीम से सिर्फ मैं ही बैटिंग किया एंड अजीत एडविन ने बैटिंग किया, उसके अलावा कोई चला नहीं। तो साउथ जोन ने इस वाले मैच को 3 विकेट से अपने नाम किया, जीत गया भाई, हार गया मैं। तो हमारा नेक्स्ट मैच होने वाला है यहाँ पर सेंट्रल जोन के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आज इस वाले वीडियो पर मैंने 2 विकेट लिया एंड 100 रन बनाया, अपना इस वाली करियर मोड का पहला सेंचुरी बनाया, मतलब हुआ है आज। तो बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का एपिसोड था। तो आज इस वाले वीडियो इतना ही मैं रखने वाला हूँ। तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग बताना मेरे बैटिंग या बॉलिंग आपको कौन सा ज़्यादा बेहतर लगा, वो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना है। एंड इस वाले वीडियो पे लाइक करो, जितना हो सके उतना लाइक करो, ठीक है। तो गाइस इस वाले वीडियो इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरा चैनल को इसी प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।